तो ये है क्वेश्चन जो बेस्ड है इसी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पे, जो थ्योरम हमने अभी अभी डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ एल इनवर्स दैट इज लाप्लास इनवर्स या इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टी कॉस टी एंड देन फाइंड एल इनवर्स नाइन एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन नाइन एस स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यस स्क्वायर माइनस वन और नीचे यस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। सो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेक करने दीजिए कुछ। सो दिस इज स्क्वायर, क्लियर। सो थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, नाइन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। सो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो हम रिपीट कर देते हैं एक बार। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टी कॉस टी देन फाइंड लाप्लास ऑफ इनवर्स नाइन एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन नाइन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें गिवन है, गिवन लाप्लास इनवर्स इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टी कॉस टी कॉस टी। तो इसको देख के हमें लग रहा है ये कितना कठिन क्वेश्चन है, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, अगर ये ऐसी प्रॉपर्टी हमें न पता हो। लेकिन देखिए, हम जैसे ही इसको लगाएंगे ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हमें गिवन है लाप्लास इनवर्स एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू इतनी है। और ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे पकड़ेंगे कि हमें यहाँ पर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ही लगाना है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि जो टर्म यहाँ पर है एस स्क्वायर, वही टर्म यहाँ होना चाहिए एस स्क्वायर, जैसे यहाँ पर है नाइन एस स्क्वायर और नाइन एस स्क्वायर, और जो नेचर इसका है यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर, तो सेम उसी तरीके से होगा, तभी ये कुछ लग पाएगा स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे वही चीज़ करते हैं जैसे हम इसको सॉल्व किए थे। तो हमने क्या किया था, एस को रिप्लेस किया था ए एस से, यहाँ पर जो ए था वो स्केल था, जो भी हमने डिस्कस किया है वहाँ पर ए था वो स्केल था, उसकी चेंजिंग हो रही थी तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी था। उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा एस है वो रिप्लेस होगा। सो ऑन रिप्लेसिंग एस बाई थ्री एस, ठीक है। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एस की जगह यहाँ पे क्या है, एक तरह से यहाँ एस स्क्वायर है और यहाँ पे नाइन एस स्क्वायर है। तो हमें क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि हमको एस को किससे रिप्लेस करना है। तो अगर हम s का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये क्या देगा, नाइन एस स्क्वायर। अगर यहाँ फोर एस स्क्वायर होता तो यहाँ हम टू एस लेते। तो इस तरीके से हम जान जाएंगे कि यहाँ से हमें क्या मानना पड़ेगा जिससे कि हमें इसकी वैल्यू आएगी डायरेक्ट थ्योरम को यूज करके। तो s को अगर हम रिप्लेस करेंगे थ्री एस से तो हमारा ये पार्ट कैसा मिलेगा, इस तरह का वन अपॉन ए हो जाएगा और f होगा और t बाई ए। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं, तो l इनवर्स s की जगह थ्री एस रखिए, तो थ्री एस का स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री एस का स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ये पार्ट हो गया इक्वल। इधर क्या है, इधर हमें हो रहा है थ्योरम के हिसाब से वन अपॉन ए, उसके बाद क्या होगा एफ होगा टी बाई ए, एफ ऑफ टी बाई ए। यहाँ पे क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है इसके हिसाब से ये टोटल क्या है, एक तरह से एफ टी है, जो ये पूरी वैल्यू है ये क्या था गिवन के हिसाब से, ये एफ टी था, क्योंकि लाप्लास इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू एफ टी। तो ये पूरी वैल्यू एफ टी थी, तो अगर हम यहाँ से एफ टी बाई ए फाइंड करेंगे वही चीज़ यहाँ पे आएगी। जब हम इस यूज कर रहे हैं यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, तो हम क्या करेंगे, वन बाई ए आएगा फिर एफ ऑफ टी बाई ए आएगा। तो उस हिसाब से जब हम यहाँ से टी बाई ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टी के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, टी बाई ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ऑफ टी बाई ए। ये क्लियर हो रहा है, सिंपल। एफ ऑफ टी हमारा है टी कॉस टी, जब हम एफ ऑफ टी बाई ए निकालेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टी बाई ए, और यहाँ भी हो जाएगा कॉस ऑफ टी बाई ए। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। अब चूँकि यहाँ पे जो ए था, अब इसको हम ध्यान से देखेंगे
तो हम s को 3s लिखें, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ a क्या दिख रहा है, a हमारा 3 है, यहाँ दिख रहा है। s को हम as से रिप्लेस करते हैं, जब हम यहाँ सॉल्व करते थे तो s को as से रिप्लेस किए थे हमने, थ्योरम में क्या किया था, s को रिप्लेस किया था as से, यानी कि ये जो टर्म है वो क्या शो कर रहा है, ये a को शो कर रहा है। तो हमें a की वैल्यू मिल गई क्या, 3। तो सिंपली यहाँ पे हो गया 1/3 इंटू टी बाई थ्री, और ये हो गया कॉस ऑफ टी बाई थ्री, क्लियर, क्योंकि यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। और इधर का साइड हो गया लाप्लास इनवर्स, और ये हो जाएगा 9s² - 1 अपॉन ये होल स्क्वायर होगा इसका, तो ये भी हो जाएगा 9s² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट अलग कर लेते हैं, तो ये भी वही हो गया, तो ये हो जाएगा t/9 इंटू कॉस ऑफ t/3। तो इधर वही है क्वेश्चन हमारा, लाप्लास इनवर्स 9s² - 1/9s² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा हमारा रिजल्ट इस क्वेश्चन का, ये वही चीज़ है जो हमें फाइंड करना था। तो कितना आसानी से हो गया ये, काफ़ी कम स्पेस में, जबकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट हम करने जाते तो काफ़ी कठिन हो जाता, और इससे वो निकालना भी मुश्किल हो जाता अगर हम ये थ्योरम नहीं पढ़े होते। ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो इसको ध्यान से देखिए, और कहीं प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, ठीक है। तो चलें एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे, तो ये है एक और क्वेश्चन उसी के ऊपर, फाइंड लाप्लास इनवर्स s/2s² - 8। तो अभी पिछले क्वेश्चन में कुछ ऐसी कंडीशन थी कि हम दोनों से मिला के चेक कर पा रहे थे कि हमें s को कैसे रिप्लेस करना है, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, तो हमें कुछ चीज़ों का लाप्लास हमें पता होना चाहिए, तब हम ये जान पाएंगे। जैसे हमें पता है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² - 4² का इनवर्स होता है कॉस हाइपरबोलिक 4t, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी कि जो हाइपरबोलिक टर्म है या जो भी टर्म है, तो इसको हम देख के जान पाएंगे कि ये कुछ इस तरह का है, यस ऊपर है और नीचे यस स्क्वायर माइनस समथिंग है। अगर हम दो को एक तरह से बाहर यहाँ से निकालें तो ये क्या है, s² - 4 जैसा हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमें ये समझ में आएगा कि हमें हाइपरबोलिक लगाना है या सिंपल कॉस 4t लगाना है इस तरीके का, ठीक है। तो ये लाप्लास हमें याद रखना पड़ेगा, कुछ लर्न करने की चीज़ें हैं, ये याद रखेंगे तभी हो पाएगा। तो ये हमें गिवन हो गया, अगर हमें याद रहेगा तो एक तरह से ये गिवन हो गया कि लाप्लास इनवर्स s/s² - 4² = cos(hyperbolic)4t। तो अब हम फिर से देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है, ये भी हमारा क्या है, ये एक तरह से ft हो गया, जैसे उसमें था लाप्लास ऑफ एनीथिंग fs, हम जानते हैं कि लाप्लास इनवर्स ऑफ fs होता है f(t), तो हमेशा जो यहाँ पे मिलेगा वो हमें ft देगा, और ये जो वैल्यू है ये वाली वो क्या है, एक तरह से fs है, इस तरह से ये fs है। तो अब फिर से हम वही चेक करेंगे कि s के जगह हम क्या रिप्लेस करें, जैसे यहाँ पे s के जगह as था, तो यहाँ पे हमको रिप्लेस करना पड़ेगा s के जगह, ऑन रिप्लेसिंग s/2s, ठीक है। तो ये 2s समझ में आएगा अभी क्यों लिया गया, तो जब हम 2s करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, l इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा s की जगह पे 2s, और यहाँ पे नीचे 2s का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्लियर। अब उस साइड में हमें क्या मिलेगा, फिर से हमें थ्योरम माइंड में होना चाहिए। तो वो थ्योरम ये कहता है कि पहले आएगा 1/a, और a की जगह क्या हो गया, 2, क्योंकि यही तो हमारा a है, यही एक तरह से a होता है,
तो 1/2 और यह हो जाएगा f, और ये t बाई ए है यानी cos, एक तरह से हमारा क्या हो जाएगा cos हाइपरबोलिक 4t, और t की जगह हमें लिखना है t बाई 2, ठीक है। तो cos हाइपरबोलिक 4 t के प्लेस पे क्या हो जाएगा t बाई ए मीन्स t बाई 2, तो ये सिंपली हो गया 1/2 cos हाइपरबोलिक 2t, क्लियर। और इधर हो गया लाप्लास इनवर्स 2s/4s² - 16, क्लियर। 2s और ये 4s² - 16। अब हमें जो लाना है वो क्या है, 2s² - 8, तो अगर हम इस 2 से डिवाइड कर दें यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, लाप्लास इनवर्स s/2s² - 8 = 1/2 cos हाइपरबोलिक 2t। तो हो गया, ये यही हमें लाना था, इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी जो यहाँ पे है। तो ये रहा इसका आंसर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, बहुत ज़रूरी है कि वो थ्योरम भी याद रहे कि हमें कैसे उसको चेंज करना है, और उसके बाद ये कुछ चीज़ें जो लाप्लास के टर्म में आती हैं सबका हमने लाप्लास निकाल रखा है और उसको फिर हमें याद रखना पड़ेगा। तो बड़ा ज़रूरी है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए आपको काफ़ी फंक्शंस के लाप्लास ऑलरेडी याद होने चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के ऊपर। So I hope this video is very helpful to all of you. So this is all about for this video. Thanks for watching video. Thank you.